बर्तन होगा तब समझिएगा। हमारे पास बर्तन भी है लेकिन तो भी हम जल संचित नहीं कर पाए। हमारे पास घड़ा है, हमारे पास घट है, लेकिन तो भी वो घड़ा खाली है, घट रिक्त है। इतनी वर्षा हुई और हमारा घड़ा खाली का खाली, देखो क्या कारण है। इतनी वर्षा के बाद भी अगर घड़ा खाली है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है घड़े का मुंह उल्टा रखा हो। हम लोग यहां गर्मी के दिनों में प्याऊ चलते थे, पहले तो मिट्टी के घड़ों में पान लेते थे, ठंडा होता था, जब गर्मी निकल जाती तो उसको औंधा करके उल्टा करके इसलिए रख देते थे छत पे कि वो सूख जाए फिर काम आए। तो उल्टा करके घड़ा इसलिए रखते थे उसमें पानी न पड़े, तो चाहे कितनी वर्षा हो औंधे घड़े के ऊपर पानी पड़ता है बह के चला जाता है। चाहे कितनी वर्षा हो अगर घड़ा औंधा रखा है उल्टा रखा है, हमारे संतों की भाषा में कहें अभिमुख नहीं है। अभिमुख का तात्पर्य है जिधर से वर्षा आ रही है उस ओर मुख नहीं है। बैठे तो प्रवचन में है लेकिन ध्यान कहीं और है। शरीर से यहां है लेकिन मन से कहीं और है, ये अभिमुख नहीं हुआ। बैठे तो हैं लेकिन ये देखने के लिए बैठे हैं ये कैसे बोलता है, जरा देखें तो इसकी पकड़ कहां है, बड़ा भारी पंडित बनता है, अभिमुख नहीं हुआ। तुम वक्ता की कमी पकड़ लोगे, उसकी गंदगी और अपने घड़े में भर लोगे लेकिन तुम्हारा घड़ा साफ नहीं। कथा कथा की तरफ ध्यान दे लिए लेकिन कथा के पीछे रहस्य क्या है अगर वो वक्ता बता रहा तो नहीं नहीं अभिमुख नहीं हुआ। अगर चित्त की वृत्ति एकाग्र नहीं है तो कई संतों के प्रवचनों को समझना इसलिए कठिन हो जाता है, गंभीर हो जाता है कि वो धारा अविच्छिन्न नहीं विच्छिन्न हो जाता। और फिर पूर्व और पर का संबंध लगाने में कठिनाई अभिमुख। जिधर से जल आ रहा है घड़े का मुख उस तरफ होना इसका नाम अभिमुख। अभिमुख केवल शरीर से ही, जिस बर्तन को भरना है जहां गंदगी है उसको अभिमुख करना है। सावधानी से अभिमुख करना है। हमने देखा कि घड़ा है, घड़े को अभिमुख भी कर दिया है लेकिन फिर भी घड़ा खाली का खाली, जल नहीं आ रहा। अमृत जैसी वर्षा हुई और घड़ा खाली, मूसलाधार वर्षा हुई और घड़ा खाली। देखो क्या बात है, घड़े में पहले से ही तो कुछ नहीं भरा हुआ है। अगर घड़े में पहले से ही कुछ भरा हुआ है, कूड़ा कचरा या कुछ भी जो चीज आप भरना चाहते हो उससे अतिरिक्त जो भी उसमें है वो सबका सब है। चाहे कितनी मूल्यवान वस्तु हो, यदि पानी चाहिए अमृत चाहिए तो उसको घड़े से निकालना ही पड़ेगा। हम बहुत ऊंची जाति निकालना, हम बहुत धनवान हैं निकालना, हम बहुत
रूपवान है। हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, हम बहुत बड़े दानी हैं, निकालना पड़ेगा। हम बहुत अधिक भजन करने वाले हैं, निकालना पड़ेगा। जो चीज भगवान के अभिमुख करने में बाधक हो वो सबकी सब हे है, निकालना पड़ेगा। नहीं निकालोगे जो चीज तुमको प्राप्त करे वो नहीं प्राप्त। ब्राह्मण जगत का गुरु होता है, उत्पन्न होते ही शास्त्र का वचन है, उत्पन्न होते ही ब्राह्मण जगत का गुरु है, श्रेष्ठ वर्णों में अतिश्रेष्ठ माना जाता है। हम जब इतने छोटे छोटे से थे और कई हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे दरबार, वो महाराज फलाना महाराज आए लागी, तो हमको तो पता नहीं था, दूसरों हमारे छोटा था, हमको कहा था बहुत खुशी रहो, तो हमने कहते खुशी, तो वो उतने बुजुर्ग और हमको पाए लागी कहते थे, इसलिए इस वर्ग में पैदा हुआ। तो ब्राह्मणत्व और बड़ी तपस्या का फल है। भगवान गीता का, गीता का आश्रय करे भगवान की, उसको लिखा हुआ है ब्राह्मणत्व बड़े महत्वपूर्ण। उन ब्राह्मण में तपस्वी होना ये और बड़ी बात है। उसमें ऊंचा तपस्वी होना और बड़ी बात है। वेद का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ऊंची बात है। वेद का केवल पाठ कर लेना बहुत बड़ी बात है, वेद का तात्पर्य जान लेना उससे बहुत बड़ी बात है। बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, अति देव दुर्लभ। कवित्व तो शक्ति प्राप्त हो जाए ये बहुत 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 बड़ी बात है। सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर ये सब चीजें भगवान से मिलने में साधक नहीं है, ये सबकी सब हे है, त्याज्य है, उपेक्ष है। आप लोग जानते हैं रावण पुलस्त्य था, ब्राह्मण कितना बड़ा तपस्वी है, अपने सिर काट के स्वयं हवन कर देने की सामर्थ्य है उसमें, वेद का पंडित है, कर्मकांड का पंडित है। भगवान रघुनाथ ने रामेश्वरम की पूजा के लिए रावण को ही आचार्य बना के बुलाया है, क्योंकि वो कर्मकांड का पंडित, शिव पूजा सारहस्य से जानता, वेद के ऊपर भाष्य है। और कवित्व शक्ति जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया है जानते हैं, जटा कटाह सभ्रमं भ्रमन निलिम्ब निर्जरी विरोलरी जिवल्लरी विराजमान मूर्तन थगत 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 जलललाप पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण। इतनी बड़ी अद्भुत कवित्व शक्ति, इतने सगुण होते हुए यदि राम के साथ उसका आभिमुख यानी प्रेम नहीं हुआ, ये सब की सब हेय क्या। भगवान से मिलने में जो बाधक है वो सबका सब हेय। हमारे ब्रज के कथा सुनिए, हमारे ब्रज के ब्राह्मण समाज क्या या जिनको ब्रजवासी संस्कार उनकी बात, ब्रज माने कोई क्षेत्र नहीं, जिनको कृष्ण से प्रेम हो, बड़ी बढ़िया कथा सुनाते। एक बार यशोदा मैया ने और भोजन कराया, तो पूरी साग सब मीठा का बना था, उसमें खीर बनी थी, तो ठाकुर जी के
राजा के सखाओं में एक ब्राह्मण सखा भी था, आप सब जानते हो उसका नाम। तो यशोदा मैया ने और जशोको बोला उसको खीर नहीं दी, सबको दे दिया मीठा दिया पूरी या सब दिया, खीर यहाँ पर उसी पर बस आगे चली गई। तो ब्रजवासी तो विचित्र होते, मैया या धनी गिर पड़ेगी, धनी माने ऊपर के होते हैं, क्या बोलते हैं, छत को रोकने की मोटी मोटी लकड़ी लगाते हैं, ये बोलने पर जा रहे हैं, सोट गिर पड़ेगी। तो मैया कहती कहा तो दुबा करो, सोट गिरेगी तो तू बचेगा, सगरे मर जाएंगे। कहते मैं तो बच जाऊंगा, तू कैसे बच जाएगा, जैसे या खीर से बच गो, सबर में खीर मिली मोयनाएं मिली तो सबर बढ़ता। तो मैया ने कही तो एक खीर याते ना दई, तो ब्राह्मण को छोड़ा है तेरे जिरेऊ है याते है, मैंने तो लाला की और लाला की प्रसादी खीर थी। तो वो कहता मैया ये ले जिरेऊ, मैं आज से फेंके दे रहा हूं, वो खीर दे, लाला की प्रसादी प्राप्त करने में अगर ब्राह्मण को बाधक है तो मैं ब्राह्मण को ही त्याग रहा हूं। ब्राह्मण बहुत मुख्य वस्तु है, लेकिन अगर ठाकुर के मिलने में बाधक है, घड़े के अंदर चाहे कितनी महत्वपूर्ण वस्तुएं भरी हुई हों, अगर उनको निकालोगे नहीं, अमृत घड़े में नहीं निकाल सकते। मैंने मधुसूदन सरस्वती जैसे महापुरुषों उनकी कथा किसी और दिन हम लोग सुन दिया, अब करना क्या, 7 दिन तक मैं बर्राता रहूंगा। एक मुश्किल तो रखना ही चाहिए। इतने बड़े विद्वान, लेकिन अंत में कथा सुनाने का मन कर रहा, लेकिन आज ब्रेक लगा लेता हूं, जरा ये प्रसंग हो जाए। वो हमारे गुरु भाई शांतानंद जी हैं, वो कहते हैं कि बौरा, बौरा माने जिसको तुम लोग ओला कहते हो, पागल बोलेगा तो नहीं, वो बोलेगा तो ऐसा पर्राना शुरू करेगा तो घुसे ही नहीं, इधर इधर उधर वही हालत हो जाए। आपको क्या सावधान रखना, इधर महात्मा जो प्रार्थना कर दूं जब ऐसा कुछ हुआ करे तो हम तो इशारा कर दिया करेंगे। एक चुटकुला सुनाते सब लोग, एक जनों को कब मारने की बहुत आदत थी, कई लोगों को नहीं है, हमारे थे उनको मुझे मालूम है कब मारने की इतनी आदत थी कि वो मैंने कहा अरे हमारे यहाँ 52 बीघे तो खाली पुदीना पैदा होता है, सावधानी से कब मारा करो, कम से कम कुछ कंट्रोल तो रखो, तुम्हारी बात कोई विश्वास तो करे, क्या करूं मैं जब बोलने लगता हूँ तो मेरे होश ही नहीं रहता है, तो मेरा ही जैसा होगा। उसके दोस्त ने कहा अच्छा मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे कहा तो तुम समझ लेना कि तुमने ज्यादा कप मार दी, जरा तुम जोर से बोला। इसी तरह कह रहा मैं जंगल में गया एक दिन, बड़ा घनघोर जंगल, 200 हाथ के पेड़ वहां, वहां मैंने एक अजगर देखा करीब 5 मील लंबा अजगर, नहीं मील नहीं 5 किलोमीटर लंबा, काफी बड़ा पड़ गया। तो फिर भी 5 किलोमीटर का तो फिरता, शायद 5 किलोमीटर ना रहा हो तो 3 किलोमीटर का तो था ही। तो फिर मैं धीरे धीरे करके 2 किलोमीटर से तो कम नहीं रहा होगा ऐसा, मैं चूंकि इधर खड़ा हुआ था तो लगता है 2 किलोमीटर का तो सांप था ही। तो फिर भी 2 किलोमीटर सांप कहाँ होता भाई, उसके तो इतने बड़े बड़े होते हैं, हमारे तो बड़े थे आस पास भी। तुमने फिर कहा
पेड़ थे ना, जंगल था, अंधेरा था, तो इसलिए मैं समझता हूं 1 किलोमीटर का तो वो सांप बिल्कुल था। उसने कहा मैं अब नहीं, 1 किलोमीटर आपको नहीं पता, 1 किलोमीटर तो था ही सांप। उसी तरह से मैं भी आप लोग मेरा कोई तो कोई कर देना अगर गड़बड़ कर रहा हो, क्योंकि मैंने बताया था, मैंने बताया था गर्मी आती है तो कोई ना कोई कर देना, कभी कभी मैं भी करूंगा कोशिश कर रहे लेकिन आप लोग कोशिश कर रहा है। देखो हम ध्यान रखते हैं बाबा जी क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर कहीं होता है। तो मौजूदा सरस्वती की कथा में और नहीं सुना, खाली इतना कहना चाहता हूं उतना बड़ा वेदांत का परिपक्व पंडित। और वो कहता है कि गोप वधु मैं क्या उस सब में कहने जरा घबरा रहा हूं, विट विट माने क्या बताऊं, ले इतने पंडित बैठे थे विट माने बताऊं इनको कि गोप वधु विटेल का मतलब क्या हुआ, मैं नहीं बताऊंगा जाने हमारे जाने के बारे में। मैंने ऐसा खराब लेकिन प्यार से कह रहे हैं कि हठेल माने जबरदस्ती हमको उसने गोप वधु विट ने पकड़ लिया है। मैं विट का सर जरा मेरे बताने का मन नहीं कर रहा है, तुम अकेले पूछ रहे सब कई पंडित यहाँ बैठे हैं, शास्त्रा जी बैठे हैं, द्वैता जी बैठे हैं, सब बड़े बड़े पंडित लोग और हैं, विट का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, मेरा मन आज नहीं हो रहा, अगर किसी ने बता दिया जो मैं बता दूंगा। तो सब चीजें बिगाड़नी पड़ी तब खड़ा। आप कहते हो महाराज मैंने घड़ा खाली भी कर दिया, घड़ा मैंने प्रवाह की तरफ अभिमुख भी कर दिया, लेकिन मैं देखता हूं घड़ा खाली का खाली है। अब क्या गड़बड़ी है, घड़ा खाली क्यों है, घड़ा भी है उसमें जो मैंने कचरा भी निकाल दिया है लेकिन फिर भी घड़ा खाली है। तो गौर करके देखना घड़े में कहीं छेद तो नहीं है, अगर तुम्हारे घड़े में छेद हैं तो चाहे कितनी वर्षा हो कितना ही घड़े में पानी भरे वो खाली का खाली। ये जो चित्रान्वेषण करने की जो आदत है ना, दूसरों की गलती देखने की आदत बना लेना है ना, या अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण न रखने की आदत है ना, ये चित्र कितना सुंदर सुन करके आए और किसी की तरफ कुदृष्टि कर दी, जय श्री कृष्ण, कितना सुन करके आए किसी की निंदा सुन ली, जय श्री कृष्ण, कितना सुंदर सुन के आए कुछ मुंह से ऐसी बात कह दी। देखो मित्रों कृपा करके ये भागवत अपने कल्याण के लिए, भागवत माने ये जो भागवत का नाटक कर रहे हैं, ये भागवत इसलिए कर रहा हूं, ये जो तुम्हारे सामने पोथी है ना, ये पोथी भी अद्भुत है, केवल जब ये नाटक करता हूं तो खुलती है, बाकी समय नहीं खुलती है। भागवत के इनको बैठे हुए तुम्हारे यहां के दामाद है, तुम्हारे दामाद के नहीं बताओ, बोले बाबा हिमाचल वालों के दामाद है कि नहीं, मैं गलत कह रहा हूं, हिमाचल वालों के, अरे लड़की तुम्हारे यहां की हिमाचल की पुत्री अगर है तो तुम्हारी बेटी या बहन हुई कि नहीं हुई, तो तुम लोग बड़ा मजा आ गया, बोले बाबा या तो तुम्हारे चीजा हो गए दबाद हो गए, फिर तो तुम लोग बड़ा मजी मजी कहा मिल गया, वाह 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 वाह, हिमाचल क्या वाला, क्या क्या रौनक वाला
क्या रौनक वाला, क्या प्रेम, कितने सुंदर लोग हैं। जितने बाहर से सुंदर हैं, मैं तो किसान को पूछो उतने ही अंदर से भी सुंदर, मजा आ जाता है नौकरी में। इनकी रोटी और बोली अद्भुत ही। तो ये जो तुम्हारे यहाँ के हमारे यहाँ प्रेमी, इनको मेहमान कहते हैं। मेहमान माने दामाद को या जीजा जी को मेहमान कहते हैं। तब तुम्हारे यहाँ के मेहमान, और यही भागवत के, यही रामायण के, यही तंत्र शास्त्र के, यही आगम शास्त्र के सबसे बड़े आचार्य। अभी हम लोग शायद प्रवेश करेंगे कथा में, तो सुनेंगे भागवत के आदि प्रवचन करता है भगवान सदाशिव। त्र्यंबक है, त्र्यंबक माने जिनके तीन नेत्र हैं, उन तीन नेत्रों का त्र्यंबक कथा तक। वेद में भी यह मंत्र आता है भगवान शिव के लिए त्र्यंबकत्व, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीयताम्। ये मृत्युंजय महाकाल में, करालम महाकाल कालम कृपाल, महाकाल के काल भी हैं, महाकाल में, लेकिन इतने पर भी परम कृपा के भागवत के आचार्य यही है, रामायण के आचार्य यही है। भगवती गौरी को सुनाते हैं, ये गौरी को सुनाना, शंकर के द्वारा सुनाया जाना, इसका मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊं, यही तो सुनाना है। कथा तो आप सबके सब यहाँ मेरे का 20-25 कथा सुने हुए तो कितने ही लोग बैठे हैं, हो सकता कोई हाफ सेंचुरी वाला भी हो, 50 कथाएं सुनी हो, इसलिए मैं कथा आपके भाग को भी सुनाऊंगा। कथा तो आप हमसे ज्यादा आप जानते हो, मुझे नहीं मालूम कथा के पीछे का मतलब क्या है, वो हम लोग चर्चा करें कि भोले बाबा सुना रहे हैं और तुम्हारे यहाँ की छोरी या पार्वती मैया भुवनेश्वरी महारानी सुन रही हैं, इसका मतलब क्या है, ये हम सुनाएंगे, इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है ओके सुनाएंगे। आज तो भी इतना ही कहना चाहता हूं कि पोथी भी महत्वपूर्ण है। त्र्यंबकेश्वर जिसको आप तिरमुख कहते हो, त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के पास है, वहां त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग, मैं बहुत बोलते उस समय त्र्यंबकेश्वर के मुख्य सेवादार ने, ये जो पोथी आप दर्शन कर रहे हो ना, ये ला करके मेरी कुटिया में, वही मंदिर में नहीं दी, मेरी कुटिया में ला के पहुंचाई भोले बाबा का। मैं बना के नहीं, कभी कई गवाह हैं उनके सामने, प्रत्येक इधर शायद दृष्टि में होंगे थे, चाहे सुरेश थे वहां की, नहीं तो उस समय ये भी वहां सेवा थे, ला के दिए। त्र्यंबकेश्वर भगवान ने कहा ये पोथी ये रमन रीति वाले बाबा को दिया, और जाके ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लाई हुई पोथी है, इसलिए समझ बड़ी इंपॉर्टेंट पोथी है, खरीदी हुई नहीं है, किसी के द्वारा दी हुई नहीं है, स्वयं त्र्यंबकेश्वर महादेव ने अपने सेवक के हाथ से उसको आदेश दे के, कोई स्वप्न वप्न में नहीं, खुलेआम सबके सामने, कई लोग वहां थे उस समय भिजवाई है। और केवल जब मैं ये नाटक करता हूं तो खुलती, बाकी मैं ही बात कर रखता हूं, मुझे ही दर्शन करने देते, आप लोग भाग्यशाली हो जो इस पोथी के दर्शन। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था, इन अपने घड़े को ठीक कोशिश करना, अधिक से अधिक जल तो इकट्ठा कर सको, खुद पीना औरों को बांटना, लेकिन औरों को बांटने के लिए इकट्ठा कर रहा हूं ये अगर तुमने कर लिया गड़बड़ हो जाएगा, पहले स्वयं। हमारे संत कहते हैं पहले खुद पचा लो। तो मैं
आप लोगों से इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यहाँ कथा करने का प्रोग्राम ही नहीं था, अब से कुछ महीने पहले तक हमारे मोहन के मन बहुत दिनों से थे, बहुत जोर कनाटा था लेकिन कुछ बन नहीं रहा था। अभी थोड़े दिन पहले और आपके व्यवस्थापक लोग जो बैठे हैं महाराज, जब ये शेड बना था तो आपने कहा था मैं उनकी कथा करवाऊंगा। अब मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं कभी किसी से कुछ कहता ही नहीं हूँ, चाहे कितने बड़े बड़े भी नाम आते हैं वो कथा हमारे यहाँ करने आते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता, उनको कहना पड़ता है कि मैं आपको कथा सुनाने आ रहा हूँ। मैं कहा रेडी, सुनने को तैयार। कैसे मैंने कहा लेकिन आप लोग असत नहीं कहते हो तो नहीं, अब उनसे नहीं आपसे सुनूंगा। वाह 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 वाह, मैंने कहा ये अच्छी बात रही, आपसे सुनूंगा। तो हमने कहा भाई सुनोगे तो हम फैमिली प्लानिंग हमने की नहीं है और अभी भी नहीं कर रहा हूँ, और फिर जरा कहाँ से आया। तो मोहन के साथ मदन भी लगा हुआ है, मदन मोहन नाटक बन गया। मदन कहता है कि आप हमको भागवत सुनाओ। तो वाह माय डियर, एकदम हम आपसे सुनो। मैंने कहा मैं बुला देता हूँ, बड़े भारी ना आपसे ही सुननी है। मैंने कहा तब ठीक है, तुमको भी हमसे सुननी है और पठानकोट वाले भी कहते हैं आपसे ही सुननी है, तो चलो तुम भी पठानकोट चलो। पठानकोट वाले वाले दीनानगर भी आ गया और चौटा सारे के सारे इलाका आ गया, पूरा पूरा हमारी पार्वती जी का मायका सारा का सारा आ गया। पार्वती का मायका है कि नहीं? और इसलिए नदिहाल में आए हुए लोगों की तो मौजे ही मौज आते आ गए। तो मदन मोहन की ब्रज बिहारी की लीला हो गई और लोग वर्षों पहले तैयारी करते हैं। और यहाँ तो बाबा साहब ने कहा महाराज इतनी जल्दी, मैंने कहा देखो ये टाइम है, अगर इसमें कर लिए तो कर लिए, वरना फिर साल भर की तारीख पढ़ने जा रही है क्योंकि ये फतेहपुर मामला है और इसके बाद तो फिर आगे उत्सव और ये और वो। तो कहा नहीं महाराज, फिर वो कहावत है ना अंग्रेजी में कि झाड़ी की उतनी मुर्गियों से हाथ की तीन मुर्गी अच्छी कटनी, महाराज आप सुनाई दो हम करते कोशिश। तो बेचारा जो है क्या नाम है दोबारा कह रहा महाराज अगर आपने हमको 15 दिन का और टाइम दिया होता तो मैं वो बना के दिखाता, और सब शिकायत है टाइम नहीं टाइम। अरे भाई ये टाइम नहीं होता है, जब भी काम निकालो वही टाइम। तो इस तरह अकस्मात ये नाटक बन गया, हमको भी नहीं मालूम था कि ये नाटक इस तरह होगा, न यहाँ के व्यवस्थापक न आप लोगों को मालूम था। लेकिन एक चीज बताऊ, कथा होती इस तरह से, पार्वती जी और भोले बाबा ने कोई प्रोग्राम महीनों पहले थोड़ा बनाया था कि माय डियर जो भी कहा हो भोलेनाथ चलो अपने कहने आप हमको कथा सुनाइए और अच्छी बात है उस तिथि को कहेंगे, और पार्वती जी आप ऐसा कुछ कहा था क्या? कुछ नहीं, तुम सुनने को तैयार और हम सुनाने को तैयार। तो माय डियर ये कथा के उपोद्घात मैंने इसलिए किया, ना ये कथा है और ना उसका ये आयोजन है। दो बावले इकट्ठे हो गए और ये बावलों की बावली लीला है। अगर इस बावली लीला से उन संतों के आशीर्वाद, और इसीलिए मैंने आपसे प्रार्थना की कि अगर दिल्ली में कथा हो रही थी तो जो लोग उसमें नाचने के और नाना प्रकार इत्यादि थे वो एक यदि मात्रा पूछे महाराज जी तो भागवत कब से शुरू करेंगे कहना, तो उसको बेचारे कहा भागवत कब आए और वो तो कुछ हुआ ही नहीं, तो भागवत कब से शुरू करेंगे। तो वही बात, भागवत न शुरू होनी है न पूरी होनी, तो ये अनुष्ठान है और आप अपने आत्म कल्याण के लिए ही, केवल आत्म कल्याण के लिए अगर चाहो तो सुनो। हमको तो संतों की आज्ञा पालन करनी है, बाबा साहब का हुक्म मानना है, रोटी मिलती भाई तो हम तो अपने हमको तो आनंद मिलेगा ही, सर्टेनली मिलेगा। अरे जब उनकी लड्डू खाएंगे तो मीठा लगेगा ही लगेगा, कड़वा बने लगेगा,
अगर कड़वा लग रहा है इसके माने कोई ना कोई बीमारी है, मुझे बीमारी है नहीं, हमें मालूम है। तो हमको तो लड्डू खाने का आनंद मिलेगा, आप लोग भी अगर चाहो ज्वाइन करना तो ज्वाइन। अनुष्ठान की दृष्टि से ये सब पहले आप लोगों को बताया जा चुका है, कोई कहीं पूजा लाने की जरूरत नहीं, मिलने के ही नहीं नंबर आना तो क्या भेंट पूजा लाओ, भेंट पूजा लानी है तो अपनी कोई ना कोई एक गंदी आदत रोज चुका मेरी ही, और अपने पति से लड़ने की रोज की आदत है, महाराज मैं दिन में 5 बार लड़ती हूँ तो 3 बार लड़ूंगी, अच्छा 4 बार लड़ूंगी, चलो 1 बार मैं दिन में 21 सिगरेट पीता हूं, पूरी तो मुश्किल पड़ेगी छोड़ने में, अच्छा महाराज 5 सिगरेट रोज कम कर देता हूं, चलो हम उसी पर प्रसन्न हो जाए, 5 सिगरेट तो बहुत होती, आज 5 छोड़ी है तो कल 10 भी छोड़ोगे, तो कोई ना कोई एक गंदी चीज छोड़ो, और हो सके तो कोई ना कोई एक अच्छी चीज, मैंने दो चीज कथा की जाती है ना, कुछ चढ़ाया जाता है और कुछ प्रसाद दिया जाता है, तो प्रसाद में कोई एक भी जो अच्छी लगे और जो बड़ी आसान हो। हमारे वहां जगन्नाथपुरी में लोग जाते हैं तो कोई ना कोई फल छोड़ के आते हैं, तो कई लोग वो चीज छोड़ते हैं जो उनको अत्यंत प्रिय होती है, लेकिन कई होशियार लोग ऐसी ऐसा फल छोड़े छोड़ना पड़ता है, तो एक ने कहा मेरे को शरीफा, शरीफा होता ना जानते हो ना यहाँ क्या बोलते शरीफा को, तो इसमें ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे छोटे मतलब बड़े तीज होते हैं, सीतापुर हाँ जो भी हो, मैं शरीफा है सीता का नाम क्यों बिगाड़ करूँ, सीता हमारी माता सीता शरीफा, तो वो तो खाने मिलता है, खाने मिले ना तो मैं सीता फल छोड़ देता हूँ, जानते तो वही सही, तो जो तुमको छोड़ना हुए वो छोड़ दो और कोई एक चीज पकड़, बस हम इसी से संतुष्ट हो जाएंगे कि तुम कुछ हमको चढ़ा गए और कुछ यहां से प्रसाद। भजन करना और अनुष्ठान पूर्वक सुनना अपने कल्याण के लिए, हम तुमको बहुत रास्ता बताएं, ये चीजें कल्याण के लिए होती है, वो हमको बताने की जरूरत नहीं, कथा अपने आप बोलती जाए कि वो सुन लेना, या तुमको जो मालूम है ये अच्छी चीज है, बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम इनको करेंगे नहीं कर पा रहे थे, हमारे बड़े अच्छे हमको बड़े अच्छे संत थे, आप लोग बहुत लोग जानते हो, टाट पहन करके यहाँ रहा करते, क्योंकि रमणे दिन कभी आए थे, मैंने इनको कोई अच्छी बातें सिखाई थी, इसलिए वो गुरु जी करके हमको संबोधन करते थे, आप लोग सामने यही स्टेज के ऊपर आकर के उन्होंने कहा था, ये आश्रम जब नहीं बना था, हमारे उस फकीर की भी याद, उनके परिवार की भी याद जरूर करेंगे, आज उनकी जमीन पर हम लोग रुकान करते, यहाँ शराबी रहा करते थे, तो उन्होंने कहा शराबियों का भूतों का डेरा था, आज यहाँ संत आके बैठ गए हैं तो ये तीर्थ बन गया है, तो तीर्थ में बैठ कर अनुष्ठान हम लोग प्रारंभ करते हैं, आत्म कल्याण, तो वो कहा करते थे शास्त्री ने कहा था ये श्मशान, यहां श्मशान भी है और यहां पड़ोस में हमारे दवाई भी मिलती है, सब यहां सब वही सब कर्म होते थे, लेकिन अब यहां श्मशान वासी भगवान भुवनेश्वर आ गए, श्मशानेश्वर क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा, श्मशान में भोलेनाथ रहते हैं तो भोलेनाथ बैठ गए तो श्मशान काशी बन गया, अरे काशी का नाम है क्या है संकल्प में आप लोग बोलते हो महाश्मशाने, काशी महाश्मशान है, तीन लोग से न्यारी है, पवित्र है, श्मशान में जाके लोग स्नान करते हैं और अपवित्र लोग काशी काशी का नाम उच्चारण करके पवित्र हो जाते हैं, श्मशान है ये जरूर है, लेकिन अब इस श्मशान में भगवान भुवनेश्वर विद्यमान है, शराब तो अभी यहां चलती है,
खूब जोर से मिलाई जाती है और बड़ी जोर से पी जाती है और कई लोग पागल होते, मैंने इन पागलों को भी देखा है। लेकिन अब कौन सी शराब पिलाई जाती है? वाह, तो भाई भजन बड़ा बढ़िया भी गाते हैं, हमको याद, हमको भजन वगैरह आते ही नहीं है, क्या क्या किसी पिलाई तुमने? और मैंने कोई बड़ा अच्छा भजन हो समझ में, कौन सा भजन है तुमको बहुतों को याद होगा? तो भर भर के प्याले यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, दरबार के राजा रानी के दुख दर्द मिटाएगा। और नहीं पिलाए जाते वो दरबार, अरे पिलाए जाने वाली लाइन बोलो, पंक्ति वो बोली के भर भर के जाम इबादत के ये यहाँ रोज रोज पिलाए जाते। वाह धन्यवाद पंडित जी साहब, रोज जाम पिलाए जा रहे माय डियर। तो कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन संतों के आने से वक्त इतने ही बढ़ गया, श्मशान जो है महाश्मशान हो गया और वो बोतल के बजाए और अब भर भर के प्याले इबादत के यहाँ पियो छको। और जैसे वो लोग उड़ के बड़े मिलते कभी कभी जाते हैं, हाँ उसी तरह आप भी इस प्रेम मदिरा से पान करके उन्मत्त होके पागल होके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 उन्मत्त हो पागल हो जाते। हमारे महात्मा थे बड़े अच्छे पंजाब के, वो पागल का मतलब कहते थे, पर हमारे कई महात्मा इनमें उतने पढ़े लिखे नहीं, लेकिन इतने पढ़े लिखे हैं कि पढ़े लिखों को पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा लगता। तो कोई अगर रौड़ा पौड़ा सा कोई महात्मा मिले उससे सत्संग जरूर बढ़ाऊंगा, उनकी पंडिता की भाषा बनी जाना, वो कहना क्या चाहते वो सुनने की कोशिश करना माई डियर। तो वो कहते पागल मानी क्या है, इनका क्या हमारा कहें गल माने क्या, यानी बात बात माने क्या, बात माने बात नहीं कहते ना, मैं बात क्या है, बात माने रहस्य। ओ बात माने रहस्य, तो इनमें क्या बात कही गई है, इनमें क्या रहस्य कहा गया है, तो बात माने रहस्य। और पा माने जिसने पा लिया है, जिसने रहस्य पा लिया है उसका नाम पागल है। तो जिनने गल पा ली है ना उन्होंने पागल है, तो ऐसे पागल बन करके उन्मत्त घूम सको, बड़ा आनंद आएगा कथा सुनने का। तो अब कम से कम थोड़ी देर महात्मा की कथा कर लें, आप लोगों क्या क्या बोझे बोलो। ये उपोद्घात वर्णन हुआ, किसी भी चीज के करने के लिए और न करने के लिए जानकारी जरूरी है। हमारे कई विद्वान बैठे हुए हैं, अद्वैत सिद्धि तक पढ़े हुए लोग विद्वान बैठे हुए हैं, दर्शन के न्याय के, कभी कभी वो भी बात इसलिए कह देनी चाहिए कि सुविधा। कहते हैं किसी भी चेष्टा के लिए क्या चीजें जरूरी है, चेष्टा माने प्रयत्न क्रिया, जानबूझ की क्रिया को कहते हैं चेष्टा, चेष्टते चेष्टा कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए तीन चीजें जरूरी है। पहली चीज है जाना। जब कभी कभी ऐसे विषय में बोला करूं ना तो उनको सुन लिया करना, अगर बहुत समझ में ना आवे तो सुन लिया करना, सुनने से भी कान पकड़ो। और वैसे मैं इतने सरल ढंग से कहने की कोशिश करूंगा कि आपको भी समझ में आ जाए। तो किसी भी क्रिया के करने के लिए तीन चीजें, पहले जाना, दूसरा इच्छा और तीसरा यज्ञ। अभी हम इसका अर्थ बता रहे घबराने, जब तक हमको किसी चीज की जानकारी नहीं है तब तक क्या हम
उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, हम उसको कोई कीमत देंगे? हम तुम्हारे यही उदाहरण दे रहे हैं। ये क्रशर यहां बहुत लगे, अभी लगे कि नहीं लगे, बहुत पहले यहां भी बहुत मेहनत करते थे लोग, पूरी चक्की उनकी कृपा से गहरी हो गई, अच्छा खूब गहरी, गहरी नदिया नाव फैला। तो क्रशर, तो क्रशर के अंदर जो धूल निकलती है वो क्रशर वालों की एक समस्या थी। अगर कोई कह दे कि हमारे यहां पहुंचा दो तो बड़े खुश होते थे, यहां जहां आप बैठे बहुत बड़ा गड्ढा था, दुनिया भर का क्रशर आया हुआ है, वो क्रशर वाले बैठे हैं परिवार, ले जाओ महाराज इसी तरह से खाली कर देंगे, हमारी इकट्ठा होता था पाप, कोई कीमत, एक मुसीबत थी। और जैसे ही पता चल गया ये तो सीमेंट के साथ मिला करके जोड़ने का काम हो जाएगा, तो क्रशर का पाउडर वही है, लेकिन अब पूछो कि एक ट्रक क्रशर दे दो हमको, तो पूछना क्रशर वाले बताएंगे क्या भाव क्या रेट है, अब फुट से मिलता है, क्रशर वही है। जब तक हमको जानकारी नहीं थी तब तक वो हमारे संत दृष्टांत देते हैं। एक आदमी को एक थैली मिल गई, उसमें चमकने चमकने से पत्थर पड़े हुए, वो बाजरे का खेत पक्षियों से बचा रहा था, कोई तोता आवे तो एक लेकर के बगल में एक वो था तालाब सा, खुशी में जाकर गिर जाते थे, तोता उड़ गए, दुनिया भर के पत्थर से थोड़े से रह गए तो उधर से जो है अरे ये तुमको हीरे हीरे कहां मिल गए, ये हीरे हैं, हाँ अभी तो थैली भर के थे, मैंने तो चिड़िया उड़ा गए। अरे महात्मा 10 साल तक बाजरे के खेत में उतना अन्न नहीं होगा जितना एक पत्थर से मिल जाएगा। इतना कष्ट कर दिया, अच्छा कोई चिंता नहीं, अभी जितने बचे हैं ना इनको संभालना, बहुत काम, एक सांस की कीमत कितनी लगाओगे बताओ, एक सांस की बताओ, इस सब व्यापारी बैठे 1 2 3 4 ये तो मास्टर 5 फिर मास्टर है, एक तो बहुत व्यापारी, एक सांस की कीमत बताओ कैसे मिल रहा है, या एक हीरे में कैसे सांस मिल जाएंगे बताओ, कुछ हिसाब कई हीरे में एक सांस मिल पड़ेगी बताओ, या एक हीरे में कैसे सांस मिलेगी, वही महाराज एक सांस की कीमत एक थैली भर हीरा हो सकती है। और कितनी सांसें हम लोगों ने बताओ, सच्ची बात कह रहा हूं कि नहीं, कितनी सांसें हमने आहार निद्रा भय मैथुनम में ऊंच नीच में इलेनी देनी में इसमें गवा दी, सोच लो ये व्यापारी का सब सफल व्यापारी हैं, ये जितने बैठे हैं ना अपनी अपनी लाइन के अपने अपने क्षेत्र के बस ऊपर ही हैं, इंडिया में कंठी माला वालों में, बंबई में चांदी वाले, पैतेपुर का यहां अगला सत्र होने जा रहा है, एक एक पैसे का हिसाब रखने वाले हैं ये लोग, मालूम है एक थैली हीरा से एक सांस नहीं। और आप लोगों ने कितनी सांसें अब तक, लेकिन अफसोस मानकर अभी कितनी बची है ना, एक एक सांस। अब तुमको उसकी कीमत मालूम है, जैसे क्रशर वालों की कीमत मालूम, बड़ा सवाल करते हैं अब तक तो हो गया हो गया, अब अगर मालूम हो गया है कि हमारी सांस इतनी कीमती है और चूंकि मैं इतनी बिगाड़ चुका हूं चुकी हूं, तो इनको संभाल करके और इनको यूज कर। तो जब तक जानकारी नहीं है कीमत की तब तक हम उसका सम्मान, हम जानते नहीं थे हीरा कीमती की,
चिड़िया उड़ा रहे थे, कृष्ण को इधर फेंकवा रहे थे, वहां दुनिया भर का तो यहाँ पर अगर बिल बना के आ जाए अभी कृष्ण वाले थे तो हमारे ख्याल से कठिनाई पड़ जाए, दूंगा नहीं क्या हो गया। कृष्ण की कीमत जानकारी होने के बाद पड़ी है, हीरे की कीमत जानकारी होने, ये हमारे धान की भूसी दुनिया भर के शहर लगे हुए हैं, वो लोग परेशान होते थे कि कहाँ इसको ले जाए, धान के ऊपर छाल कोई आग लगा देते थे, और अब देखो कीमत पता चल रही है तो अब इससे वो पीछे निकलता है, ठेका पहले उड़ जाता है, जितनी तुम्हारे यहाँ वो निकलेगी वो हमको दे दे। पहले हम उसको बोझा समझते थे, कूड़ा समझते थे, और अब उसकी कीमत समझते। इसलिए हमारे संस्कृत के विद्वानों ने कहा है किसी भी चीज के पहले आवश्यक है जाना भी। अगर ज्ञान हो जाएगा कि ये कीमती चीज है तो अगर हमारे पास है तो हम उसको संभालने की कोशिश करें, और अगर हमारे पास नहीं है तो उसको जहां मिलती है वहां से लाने की कोशिश करें। अगर कोई चीज खराब है तो उससे बचने की हम कोशिश करें, अच्छी चीज को प्राप्त करने की और बुरी चीज को त्यागने की इच्छा, ये जानकारी के बाद पहले जाना थी तब इच्छा। इच्छा दो प्रकार की है, अच्छी चीज है तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, बुरी चीज है तो उसको छोड़ने की इच्छा करेंगे, इसको इहा और जिहासा कहते हैं ये विद्वान को। जिसकी इच्छा की जाती है उसको इहा कहते हैं, और जिसको छोड़ने की इच्छा किया उसको जिहासा कहते हैं। तो इहा और जिहासा प्राप्त करने की या त्याग करने की इच्छा के मूल में ज्ञान है। जब जानकारी प्राप्त हो गई और इच्छा हो गई तो आदमी चेष्टा तब कोशिश करता है प्राप्त करने की या छोड़ने की। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपीना प्रवर्तते, कोई पागल भी हमारे पास, उसके भी अनुभवी लोग मौजूद है यहां पर इसी सभा में, वो बताते थे मैं चलता था तो ये बिजली खंभा होता था टन 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 करके बजाता था, मैं उधर देखू मेरे मन आप लोग जान जाओगे मैं किसके लिए कह रहा हूं, मैं टन 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 मैं कहता क्यों बजाते थे तो बताते हमको हमारे बहुत प्यारे। तो पागल भी बिना किसी प्रयोजन के चेष्टा नहीं करते, मंदोपी ना प्रवर्तते, पागल आदमी भी जब तक प्रयोजनम अनुद्देश्य, जब तक कोई प्रयोजन हो तो चेष्टा नहीं करता, पागल भी तब चेष्टा करता है जब लगे इससे कुछ फायदा है कोई लाभ। तो पहले जानकारी फिर मन के अंदर इच्छा और तब प्रयास। आपको जानकारी मिली कि यहां ये अनुष्ठान हो रहा है, आपके मन में इच्छा हुई ये अच्छी चीज है तो आप लोग अपने घर द्वार छोड़कर यहां के बैठे, कितने बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके पास जाओ मेरे पास बात करने की फुर्सत नहीं, बीबी को बात करने को टाइम नहीं मिलता, महाराज तरसती हूँ जब आते दुकान से रात आते हैं मैं थका हुआ हूँ सवेरे फिर चले जाते हैं, बीबी से बात करने का टाइम नहीं है, और यहां ऐसे आगे बैठे जैसे कोई काम ही नहीं। व्यापार से जो प्राप्त होता है उससे कुछ अच्छा यहां मिलेगा, इसलिए जो अपना अत्यंत प्रिय कार्य है उसको छोड़ के यहां आगे बैठे। घर परिवार की कितनी जिम्मेदारियां हैं, दो मिनट मेहमान के यहां जाना मुश्किल होता है और यहां आके शरीर से उठा नहीं जाता है, मैं यहां बैठो बैठे घर में चारपाई पे बैठ के पानी चाहिए लेकिन यहां आके बैठे क्यों, कोई जबरदस्ती तो नहीं, मालूम हुआ यहां वो चीज मिलेगी जो हमको या हमारा कल्याण करेगी तो यहां आके बैठे। तो जानकारी
जो जितना जितना जानेगा उतना जितना उसका मूल्यांकन करेगा। अभी तो लोग क्रशर का प्रयोग केवल जोड़ने के करें, कल अगर उसे पता चल जाए कि उससे हम अमुक चीज बना सकते हैं तो शायद और अधिक। संतों का उपदेश भी इसी तरह है। एक महात्मा के पास एक लकड़हारा आया, महात्माओं के पास सब आते हैं, सबके लिए उपलब्ध है, पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई उसको प्रयोग करते कोई उसको गंदा करते, अपन समाज में क्या होगा? सौके एक लकड़ हार आया महाराज, रोटी चलानी मुश्किल है, बच्चों को दिन भर मेहनत करना, दो झूठ की रोटी नसीब है। अच्छा कहां लकड़ी काटते? जंगल है। ठीक है, तो थोड़ा और जंगल, थोड़ा और अंदर जा। जंगल है, महात्मा ने कहा थोड़ा तू और अंदर जा। तो लकड़हारा थोड़ा और अंदर गया तो वहां पीक की लकड़ी मिल गई। अरे वाह, मजा आ गया, उसको बेचा और पैसा। फिर उसको ध्यान आया महात्मा ने ये तो नहीं कहा कि अंदर जा, तो और अंदर गया तो उसने वहां चंदन का जंगल देखा। अब परिश्रम उतना ही कर रहा है लेकिन चंदन की लकड़ी आज मेरे ख्याल से कई हजार रुपए किलो हो गई। अब ठाट हो महाराज के दर्शन करने भी आता है, कपड़े का रंग बदल गया, चेहरे की चमक बदल गई, चंदन की लकड़ी से व्यापार किया और पैसा। फिर उसको ध्यान आया महात्मा ने कहा अंदर जा, और अंदर गया, उसे लोहे की खदान मिल गई। अब लोहे की खदान से खुदाई करता है, पहले साइकिल में लेकर के गया, फिर चार पैसे मिल गए तो उसने ले लिया स्कूटर ले लिया, अब उसमें ला के लाता, और चार पैसे हो गए तो थ्री व्हीलर ले लिया उसमें लाद के लाने लग गया, अच्छी कमाई हो गई। महाराज के पास आता जाता है, सुनता है। फिर उसे ध्यान आया महाराज ने कहा था अंदर जा, और अंदर जा। अंदर गया तांबे की खदान, और अंदर गया चांदी की खदान मिल गई, और अंदर गया सोने की खदान। सोने की खदान के लिए मैंने ट्रक खरीद लिए, डंपर खरीद लिए, मैनेजर नियुक्त कर दिए, बड़ा भारी आए आश्रम की सेवा खूब करे, बड़ा प्रसन्न। सोने की खदान बहुत दिनों तक करता रहा, फिर उसे ध्यान आया महाराज ने कहा था अंदर जा, अंदर जा, और अंदर गया तो वहां से हीरे की खान मिल गई। हीरे की खदान, एक एक हीरा, तब उसको एक विशेष प्रकार के एयर कंडीशन भवन बनाना पड़ा, बड़े बड़े उसके तराशने वाले बुलाने पड़े, बड़ा व्यापार चला, बहुत सेवा करने लगे, बड़ा सफल, अपना प्राइवेट जेट हो गया, मकान बन गए, बड़ा संतुष्ट उसमें, अपने कॉलोनी का बड़ा उसने विकास किया, हॉस्पिटल बनवाए, विद्यालय बनवाए, अन्य क्षेत्र चलवाए, विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप दी, दीन दुखियों के जो हीनांग हैं उनकी सेवा में लगा,
बड़ा संतुष्ट हुआ, महाराज जी ने कितनी कृपा की, आज उनकी कृपा से मैं हीरे की खदान का मालिक हूँ, मैं इतनी सेवा वैभव कभी संतुष्ट इसलिए नहीं कर पाता है, ये वैभव बाहर है। सुख अंदर अंतर की चीज अगर नहीं मिल रही है, बाहर की कितनी ही मिल जाए आंतरिक सुख नहीं मिल रहा है। यही कारण है हित्वा स्वराज्य मटवी बहुवा, भरत जैसे कितने ही चक्रवर्ती नरेश राज्य छोड़ करके चले गए, हित्वा स्वराज्य मटवी बहुवा बहुत, उसको ध्यान आया मैं हीरे की खदान में अटक गया हूं। महाराज के पास भी जाता है, प्रणाम भी करता है, महाराज ने कहा अंदर बढ़ो, और अंदर गया। जंगल में एक एकांत में आश्रम बना है, वहां एक संत समाधिस्थ बैठे, अब उन संत को देख करके हीरे के व्यापारी को अपार प्रसन्नता हुआ, चुपचाप वहां बैठ गया। कई घंटे तक चुपचाप उन संत की ओर निहारता रहा। संत जब समाधि से उत्थित हुए, उनके नेत्रों से जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो, साष्टांग उनके चरणों में गिर पड़ा, आओ वत्स तुम्हारा कल्याण। महाराज आपके नेत्रों में जो शांति है वो शांति हमको कैसे, आपके चेहरे में जो संतोष दिखाई पड़ रहा है ये संतोष हमें कैसे मिलेगा। इन महापुरुषों के चेहरों में जो चमक दिखाई पड़ रही है, आप क्या समझते हो कोई बादाम का हलवा खाते हैं क्या, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना कभी वो भी बना, अंदर अंदर महाराज ये हमको कैसे मिलेगा, ये अंदर बढ़ो। कहा तुम्हारे गुरु जी ने भी कहा अंदर बढ़ो, अंदर कैसे बढ़ना उन्होंने सिखाया कि अब परान चिखानी वितरण स्वयंभू तस्मात परां पश्यति नान्तरा, ये उपनिषद का वाक्य। ये दुनिया को देखने वाली इंद्रियां ब्रह्मा ने बनाई हैं, इसलिए दुनिया को देखता है, नान्तरात्मा अपनी आत्मा को नहीं देख पाता। कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मैक अनिच्छत्, कोई कोई इन महापुरुषों धन्य है, इन महापुरुषों का जैसा कोई होता है जो अपनी बाहर देखने वाली इंद्रियों को अंदर। हमारे अखियां रंग भरिया, विशोषण पहले मैंने हरिद्वार प्रतिशत अखियां रंग भरिया, जिन्होंने लाइया उप्पे सड़के, जिन्हें लाइया से करके जिन्हें लाइया अंदर पड़ के अखियां रंग भर, ये अखियां रंग भरिया उप्पे सड़के तपस्या करके भूखे रह करके और फिर अंदर बढ़ के, कच्ची धीरा प्रत्येगात्मिक अनिच्छन अपनी इंद्रियों को अंदर सिकोड़ करके आत्मस्वरूप का दर्शन करता है। कच्ची धीरा वो धीर है, मेरे गुरु जी ने लिखा था अंदर जा। गुरु का एक वाक्य बहुत है जीवन के लिए, जिनको जीना आता है रात दिन चिपके रहने वाले, गुरु का आधा वाक्य भी नहीं समझ पाते, और जिसने एक वाक्य समझ लिया उसका जीवन बदल,
भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन जातक कथाओं में आता है। जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, पाली भाषा में आपको नाम जातक कथाओ, अब तो उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हो गया है जातक टेल्स करके, जातक कथाएं हिंदी में भी है, हमने चंदा मामा में पढ़ी थी इसलिए हमको याद है, जातक कथाएं चंदा मामा में 50s में। तो उसमें एक कथा है, एक सेठ अपने लड़के को कह रहा था, उसका लड़का कह रहा था आप हमको कुछ देते तो है नहीं, मैं क्या व्यापार करूं। उस सेठ ने कहा तेरे पास तो क्या है उसको मैं तुझे क्या बताऊं, अगर कोई समझदार आदमी है तो ये सामने मरा हुआ चूहा है ना, एक मरा हुआ चूहा पड़ा था, इस मरे हुए चूहे को ले जाए तो करोड़पति बन सकता है। ये वाक्य अपने बेटे से कह रहा है सेठ, एक लड़का उधर से जा रहा था, उसने सेठ की बात सुनी, उसके लड़के सोचे तो ऐसे ही कह रहे हैं, बाप की बात पति की बात, पति की बात तो खास कर गुरु की बात ये तो कहते ही रहते हैं, आदत है ठीक, दुकान काहे के लिए गए। और उसने सुना और अंदर दे दिया, वो बालक गरीब बालक, मरा हुआ चूहा अगर कोई ले जाए करोड़पति बन सकता है, उसने मरा हुआ चूहा उठा लिया, हाथ में लेके जा रहा है, सेठ ने कहा है वो सक्सेसफुल सेठ है, अगर उसने कहा इस मरे हुए चूहे से करोड़पति बना जा सकता है, उसको श्रद्धा होगी जरूर बना जा सकता है, वो लेके चल दिया। रास्ते में बहुत बड़े सेठ की लड़की की पालतू बिल्ली भूखी थी, वो ढूंढ रहा था बिल्ली कुछ खाने को मिल जाए, मरा हुआ जगह ए बेटा ये चूहा ले जाओ, ले क्या बजा, अरे पिताजी आपसे क्या लूंगा, बिल्ली खाएगी आपकी बिल्ली, अगर मेरी बहन है उसकी बिल्ली खिला।